आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली, एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े, रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को। सच साले मुर्दे, जिंदा लाशे, किसे जगाती वो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहा गया था भाड़ में। ये पिस्तू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा, एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या, हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना, जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो, मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल ला। खेलो, ये फांसी नहीं हो सकती, उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं उसे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी है। ये रहे उसके कागजात। रोक दीजिए ये फांसी। कमिश्नर, लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आए तो। Yeah.